भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हरनाम जी, स्वागत आपका। आपको तो काफी सौगाते हैं, गिफ्ट काफी मिला। देखिए ब्रजेश जी, ये जो बजट आज आया है, ये जब देश आजाद हुआ, देश के सभी वर्गों के लोगों के बेटों की बहनों की कुर्बानी हुई 1947 से लेकर आज, जब हम आप डिबेट कर रहे हैं, तो हमारे बाबा ने यही बजट देखा, हमारे पिताजी ने यही बजट देखा कि कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। फिर अब तो ये डिबेट और ये सब चैनल हो गए ने, पहले रेडियो कान में लगा के शाम को सुनते थे। खाद बढ़ी कि नहीं, खाद का रेट बढ़ा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, 150 करोड़ 152 करोड़ रुपए का जो किसानों के लिए पैसा दिया गया है, ये है क्या? ये कह रहे प्राकृतिक खेती करो, ये कह रहे हैं कि आप जो है वो ऑर्गेनिक खेती करो। ये प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक खेती जो भ्रष्टाचार का एक नया फार्मूला पिछले दिनों आया है। क्या भ्रष्टाचार का नया फार्मूला? ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती। देखो ब्रजेश जी, आप जानते हो सकता है मार्केट में इस टाइम आम चल रहा है, ऑर्गेनिक आम भी आ गया हो। मैं कहता हूं ये देश के अंदर ऑर्गेनिक खेती प्राकृतिक खेती सबसे बड़ा धोखा है। जो इस पे बात करेगा, जो डिबेट करेगा, वो देश के नागरिक के साथ झूठ बोल रहा है। कैसे? मतलब प्राकृतिक खेती तो एक बड़ा फैंसी वर्ड है ना, पसंद किया जा रहा है काफी। हाँ देखो, ऐसा है, हमारे बाबा मर गए, रहे हैं हमारे दोस्त। देखो हमारे बाबा मर गए, हमारे पिताजी मर गए, ठीक है, उनकी फटी धोती फटी रही, हमारी फटी धोती लुंगी फटी है। कुर्ता तो ठीक था? नहीं, कुर्ता ठीक है, अब दिल फटा है। नहीं, दिल क्या, आप देख लो, कल किसान अपने गन्ने का 3000 करोड़ रुपए भुगतान मांगने आया था गन्ना। इस उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी है ना, ये इस बात में लगे कि हरनाम सिंह को मुख्यमंत्री के पास ना जाने दो, चुनाव के बाद में ये चले गए तो हमारी पोल खुल जाएगी। धक्का मुक्की बहुत हुआ कल, हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आपके भी आंख में सब अधिकारी मिरज झोंक रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, आपका भी इलाज करने में लग गए हैं, और इनका सबका विपक्षी पार्टियों से पूरा समझौता चल रहा है। ये हमको समझ आज रहे। तो कुछ खिसियाए लग रहे हो आप। नहीं, हम खिसिया नहीं लग रहे, कभी प्राकृतिक खेती का भी विरोध कर रहे हो जी। अरे भाई, बड़ा फैंसी वर्ड है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बजट से संतुष्ट है? नहीं, नहीं हम नहीं संतुष्ट है। ये भ्रष्टाचार का बजट है जो किसानों का, और बाकी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं वो अपना बताएं। ओके, संजय गुप्ता जी आप मुझे बताएं।